आईपीएल 2024 का ऑक्शन कल दुबई में संपन्न हुआ। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने जहां ऑक्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले, वहीं यह ऑक्शन बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बेहद खास रहा। कुल 72 खिलाड़ियों पर बोली लगाकर टीमों ने खिलाड़ियों को अपने खेमे में शामिल किया। पैट कमिंस पर जहां 20.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं आईपीएल ऑक्शन की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी अब मिचेल स्टार्क बन गए हैं, जो कि 24.75 करोड़ में केकेआर की टीम में शामिल हुए। इन सब के बीच बिहार के दो खिलाड़ियों पर किसी टीम ने ध्यान नहीं दिया, जिनमें विपिन सौरभ और साकिब हुसैन का नाम शामिल था। लेकिन आखिरी राउंड में बिहार के मीडियम पेसर साकिब हुसैन को खरीदा गया। केकेआर ने साकिब हुसैन पर बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। साकिब हुसैन दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं और लोअर ऑर्डर में ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं। केकेआर ने इन्हें इनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा। साकिब हुसैन बिहार के गोपालगंज जिले से हैं और इनके पिता अली मजदूरी करते हैं। केकेआर की टीम में बाय किए जाने से पहले साकिब हुसैन सीएसके के कैंप में भी शामिल रह चुके हैं। सीएसके के कैंप के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने भी इनकी गेंदबाजी की जमकर प्रशंसा की थी। इसके अलावा साकिब हुसैन आरसीबी और कुछ अन्य आईपीएल टीमों के कैंप में भी शामिल रह चुके हैं। 19 वर्षीय साकिब हुसैन ने अपना T20 डेब्यू बिहार की ओर से 18 अक्टूबर 2022 को आंध्रा के खिलाफ किया था और दो मैचेस में 4 विकेट लिया, जिसमें एक मैच में ही 4 विकेट शामिल है। इस खिलाड़ी के चयन के बाद बिहार के क्रिकेट प्रशंसकों में काफी खुशी का माहौल है। आईपीएल में साकिब का चयन काफी प्रेरणा देने वाला है। बहुत बार बच्चे रुक जाते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, लेकिन समय समय पर गरीब घर से भी अच्छे खिलाड़ी आईपीएल और टीम इंडिया में आते रहे हैं, जो दर्शाता है कि अगर आप में वो स्किल्स है तो आप हर अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल सकते हो। निश्चित दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी होती है, अगर आपके पास पैसों की कमी भी है, इसके बावजूद बहुत सारे टैलेंट हंट आते रहते हैं, बीसीसीआई के तरफ से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ मौके आते हैं, इसके अलावा बहुत सारी आईपीएल टीमें हैं जो इन तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्रिकेट एक्टिविटी जो है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ते हैं और आप बहुत बड़े बड़े चयनकर्ताओं के नज़रों में आते हो, तो अगर आपके पास वो क्रिकेट स्किल्स है तो आपके लिए आगे बढ़ने के मार्ग जो हैं वो निश्चित ही बंद नहीं होते हैं दोस्तों। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं, इसके बावजूद आप एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हो और अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल सकते हो। तो निश्चित ही केकेआर की टीम ने जो साकिब हुसैन को बाय करा है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए और ऐसे और भी वीडियोज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।